नहीं क्या करें, माइक पास क्या हुआ? बोले वो एक मिनट की बात नहीं कर सकते ना, बोले वीजे का इशू था मेरे को, मैं मेरे कनेक्ट कंपनी बना का इशू था, वो अप्लाई किया था मैं, लेटर भेजा था। हाँ तो कह रहे कोई बात कोई कर ले, वो मेरे रियाज में कह रहे हैं कि आप कंपनी के थ्रू ऑन अराइवल आ सकते हैं। हेलो पाकिस्तान का वीज़ा लेना गोरों के लिए बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन भाई मैं वीडियो बना लूँ मेरा पटापट ऑनलाइन है तो आवाज़ तो आएगी ना भाई ना। पाकिस्तान का वीज़ा आजकल बहुत मुश्किल है अमरीकनों के लिए और दूसरे ममालिक के लोगों के लिए आने के लिए। BOI ने एक बहुत ही ख़ास अच्छा तोहफा हमारी कॉम को दिया है, दैट इज़ कॉल्ड वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल मैं अब तक अपने 4 से 5 लोगों के लिए ले चुका हूँ और उसका तरीका जो मुझे मालूम है वो मैं आज बता देता हूँ कि क्या होता है। वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तान के अंदर मौजूदा कोई भी कंपनी जो है वो इशू करा सकती है। उसका तरीका ये होता है कि आप जिसको वीज़ा दे रहे हैं उसका पासपोर्ट की कॉपी, आपके टैक्स रिटर्न, आपका बैंक स्टेटमेंट, चैम्बर की रजिस्ट्रेशन। चैम्बर में आप जाते हैं वहाँ से एक ख़ास 2,000 रुपये के एक लेटर बनता है आपके लिए और उस लेटर के ऊपर वीज़ा ऑन अराइवल की रिक्वेस्ट होती है FIA के नाम पे कराची एयरपोर्ट के ऊपर। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जमा कर दिए जाते हैं कराची एयरपोर्ट के ऊपर। अगर वो साथी जो आ रहे हैं आपके घर पे ठुके रहेंगे तो लेटर में लिखेंगे आप कि जी वो हमारे घर पे रहेंगे। अगर वो किसी होटल में रहेंगे तो उसकी होटल की रिजर्वेशन चाहिए। जिस फ्लाइट से वो आ रहे हैं उसकी फ़्लाइट की डिटेल्स चाहिए, फ़्लाइट का टिकट की डिटेल्स चाहिए और फिर टिकट की कंफर्मेशन चाहिए कि वो इस तारीख को इतने बजे इस फ्लाइट से आएंगे। जैसे ही वो कराची पहुंचेंगे या किसी भी इंटरनेशनल टर्मिनल पे पहुंचेंगे तो वहाँ पर वो जो FIA के साथी हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे और उनको रिसीव करेंगे, उनसे फ़ीस चार्ज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोरिया की फ़ीस है $60, अमरीका की फ़ीस है $140 और चाइना की फीस है $0। तो आपको उसी वक्त वो वीज़ा इशू कर देंगे। 30 डेज़ का ये वीज़ा होता है और वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और वो आपको वीज़ा दे देंगे। वीज़े की जो फीस है आपकी कंपनी पहले से भी जमा करा सकती है FIA के पास, बैंक में जाकर उसकी रसीद प्रॉपर इशू होती है वो उसके साथ लग सकती है, या जो आपका गेस्ट आ रहा है उसको कैश चाहिए होगा डॉलर के अंदर। हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम कि किस मुल्क के कितने हैं, जिन मुल्कों के मुझे पता थे मैंने बता दिए, और वो पैसे वहाँ जमा कराएंगे और जमा कराने के बाद आपको वो जो आपके गेस्ट हैं उनको वीज़ा का कागज़ स्टिकर उसी वक्त लगा देंगे और भारत आएंगे। इट्स दैट सिंपल। चैलेंज क्या होता है कि जब आप चल रहे होते हैं तो आपकी जो एयरलाइन है उसको भी ये बात नहीं पता होती, तो आप क्या करेंगे ख़ासतौर पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोज़ खींच के आप अपने गेस्ट को पहले से भेज दें कि ये फोटोज अपने पास रखना है एहतियाती तौर पे, और उसका प्रिंट भी निकाल दें एहतियाती तौर पे। सेकंड, आप कोशिश करें कि आप एमिरेट्स एयरलाइन से सफ़र करें, क्योंकि एमिरेट्स एयरलाइन का मुझे गारंटीड मालूम है कि वो तंग नहीं करती। एक दफ़ा क्या हुआ कि हमने फ्लाई दुबई का या एयर ब्लू का टिकट ले लिया था और हमारे साथ डॉक्टर सुजाना आ रही थी, और जब वो पाकिस्तान पहली दफ़ा आई थी तो हमने इसी तरह से उनका वीज़ा लिया था और उन्होंने हमें बोर्ड होने से मना कर दिया। फिर हमने एमिरेट्स का टिकट लिया और एमिरेट्स से कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आप चले जाएँ। हम पाकिस्तान आए, उन्होंने टिकट पे पासपोर्ट स्टिकर लगाया, बाहर आए कोई मसला नहीं। इट्स रियली दैट सिंपल। BOI की वेबसाइट का लिंक यहाँ लगा हुआ है, इस पर सारी डिटेल्स लिखी हुई है आप चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो आपसे गुजारिश है कि इसके बारे में पता कर लें, क्योंकि हमारे जो साथी या बिजनेस पार्टनर्स पाकिस्तान आना चाहते हैं उनको काफ़ी तकलीफ होती है। इस तकलीफ का अजाला BOI ने कर दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने ये किया है, और मैं चाहूँगा कि हमारा और भी जो प्रोसेस है और आसान हो, डिजिटलाइज हो, ऑनलाइन लोग अप्लाई कर सकें, जैसे कि श्रीलंका तक का अगर ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है तो हमारे मुल्क का भी हो सकता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।